हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? जीत रहे हो ना? जीतना ही चाहिए। तो स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल में। इसका नाम है नो इफ नो कैन ओनली रोहित दैट मैन। सो गाइस, अभी हम लोग कवर करेंगे जो इंडोनेशियन बास्केटबॉल लीग का मैच होने वाला है, हॉक्स और सेट्रिया मुड़ा के बीच में ये मैच खेला जाएगा। लास्ट मैच के स्टैट्स, ये वाले मैच के लिए प्रोबेबल लाइनअप, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी जाएंगी। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल को आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है? और राइट साइड में नीचे जो आपको ये बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस ज़रूर करना है, क्योंकि जो कुछ वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसमें आपको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, लाइनअप रिलेटेड और इंजरी रिलेटेड ये सारे डिटेल मेरे यूट्यूब के वीडियो मिलेंगे। तो वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और राइट साइड में जो आपको ये बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस करना है, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले जैसे ही वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो, टेलीग्राम यूज़र हो, तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है रोहित दैट मैन, क्योंकि लाइनअप में जो कुछ चेंजेस होते हैं लास्ट मिनट में या किसी प्लेयर की इंजरी रिपोर्ट आती है तो उसके रिलेटेड सारे अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित दैट मैन पे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आइए बात करते हैं सीधा मैच के स्टैट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हॉक्स के लाइनअप्स के बारे में। तो स्टार्टिंग लाइनअप में थे क्रम जैरन, इफेंडी, एम हुलक, पी विजय और के योशे। परफॉर्मेंस यहाँ पे देख सकते हो, 54-61 से लास्ट मैच विन किया था। डी रे का परफॉर्मेंस था 10.8 रिबाउंड 33 मिनट्स में, आर इफ एन डी 9.5 रिबाउंड 27 मिनट्स में, डब्ल्यू स्वेंजया 6 रिबाउंड 1 असिस्ट 23 मिनट्स, आर रॉस 16.6 रिबाउंड 2 असिस्ट 22 मिनट्स में, के यूसे 5.4 रिबाउंड 1 असिस्ट 19 मिनट्स, एम उलहक 2.8 रिबाउंड 17 मिनट्स, जे क्रम 8.9 रिबाउंड 3 असिस्ट 17 मिनट्स, एच एनियर 3.4 रिबाउंड 14 मिनट्स, ए एरी एडी 4.11 मिनट्स में, वी रचमलो 4.2 रिबाउंड 1 असिस्ट 7 मिनट्स, पी विजया 1 रिबाउंड 6 मिनट्स में। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे सेट्रिया मुड़ा की टीम के बारे में। स्टार्टिंग लाइनअप में थे एम अजीज, जे फोस्टर, जे कोकड़ी पुत्रा, एच लकुडू और ए विष्णु। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, 64-81 से लास्ट मैच विन किया था सेट्रिया मुड़ा ने। परफॉर्मेंस देखो यहाँ पे, जे कोकड़ी पुत्रा 5.9 रिबाउंड 2 असिस्ट 29 मिनट्स में, एम अजी 22.3 रिबाउंड 1 असिस्ट 25 मिनट्स में, ग्रिफिन 9.6 रिबाउंड 7 असिस्ट 20 मिनट्स में, एच लकुडू 9.2 रिबाउंड 20 मिनट्स, ए विष्णु 11.3 रिबाउंड 7 असिस्ट 20 मिनट्स में, ए अर्गा 4.1 रिबाउंड 19 मिनट्स में, फोस्टर 12.15 रिबाउंड 19 मिनट्स, एल ओई 7.2 रिबाउंड 16 मिनट्स, के सिट्रस 2.4 रिबाउंड 14 मिनट्स, एम फाल्कोनी 2 रिबाउंड 12 मिनट्स, के अजी 1 रिबाउंड 2 मिनट्स पे। तो दोनों टीमों के स्टैट्स के बारे में आपको डिटेल में मैंने बता दिया है। सीधा हम लोग बात करेंगे टीम के प्रोबेबल कॉम्बिनेशन की तरफ। शूटिंग गार्ड, पॉइंट गार्ड सेक्शन से मैंने यहाँ से पिक किया है ग्रिफिन को। डी रे यहाँ से आपको स्टार्ट करते हुए दिखेंगे, लेकिन एज पर क्रेडिट मैंने इसको ड्रॉप किया है। अगर आप क्रेडिट मैनेज कर सकते हो तो इसको पिक कर सकते हो। बाद में डब्ल्यू स्वेंजे यहाँ से आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है, एस लाकुडू आपके लिए अवेलेबल है। शूटिंग गार्ड से मैंने यहाँ पे पिक किया एम अजीज़ को, ठीक है? इफ एंड डी अगर क्रेडिट की बात करेंगे तो उतना अच्छा प्लेयर है नहीं, तो सिर्फ इसको ग्रैंड लीग में आपको ट्राई करना है। उसके बाद में सेपुट्रा लास्ट मैच खेला नहीं था, अगर ये मैच में वो खेलता है तो सेपुट्रा आपके लिए बढ़िया पिक साबित हो सकता है। यहाँ से एस एफ से मैंने पिक किया इडिकानिया विष्णु को, जे थेवंटी क्रम को, के लोरन का यहाँ पे देख सकते हो 11 क्रेडिट है, तो क्रेडिट वाइज अच्छा प्लेयर है, तो अगर आप ट्राई कर सकते हो, क्रेडिट मैनेज कर सकते हो तो आप इसको अपनी टीम में ज़रूर पिक कर सकते हो। पीएफ से मैंने पिक किया डेविड ग्रॉस को। अगर आपके पास क्रेडिट नहीं बच रहा है, कोई लेस क्रेडिट वाला प्लेयर लेना है, तो के सिट्रस आपके लिए लेस क्रेडिट में आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद में सेंटर से मैंने पिक किया फोस्टर को, एम रिजल फाल्कोनी को और के योशे को। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो यहाँ पे एम हुलक को ले सकते हो, जो स्टार्ट करते हो आपको दिख सकता है, और पीएफ से आप यहाँ से के सिट्रस को पिक कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने फाल्कोनी और के योशे को यहाँ से पिक किया है, ठीक है? एसपी पी अगर बात करेंगे तो फिलहाल के लिए मैंने एसपी यहाँ से किया आर डेविड ग्रॉस को, और पीपी मैंने किया ई फोस्टर को। अगर आप चाहो तो एसपीपी रिवर्स भी कर सकते हो। तो ये होने वाला है मेरा प्रोबेबल कॉम्बिनेशन बिफोर द लाइनअप। अगर लाइनअप के बाद कुछ चेंजेस होते हैं, लाइनअप में अपडेट आती है, इंजरी रिपोर्ट आती है, तो उसके रिलेटेड सारे अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित दैट मैन पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, डू योर बेस्ट, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।